श्री राम के अनंत भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव या हनुमान जयंती 8 अप्रैल दिन बुधवार को है। भगवान शिव के अवतार हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न हुआ था। जिस दिन हनुमान जी ने जन्म लिया और दिन मंगलवार था, इसी वजह से प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की आराधना की जाती है। इस हनुमान जयंती पर आप यदि विधान से पूजा अर्चना करके उनको प्रसन्न भी कर सकते हैं, हनुमान जी आपके सभी संकटों का नाश कर देंगे। इसीलिए वे संकट मोचन के नाम से हनुमान जयंती साल में दो तिथियों पर मनाने की परंपरा है। पहला चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है, एक तिथि को जन्म दिवस के रूप में, जबकि दूसरी तिथि को विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि हनुमान जयंती के दिन पूजा मुहूर्त क्या है। इस वर्ष चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 7 अप्रैल 2020 दिन मंगलवार को दोपहर 12:01 से हो रहा है, जो 8 अप्रैल 2020 दिन बुधवार को सुबह 8:04 तक रहेगी। ऐसे में बुधवार को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। मंगलवार के दिन दोपहर से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है। इसमें पूर्णिमा सूर्योदय व्यापनी मुहूर्त नहीं है, इसीलिए 8 अप्रैल को सुबह 8 से पूर्व ही आप हनुमान जी की पूजा अर्चना कर बुधवार को सुबह 8:04 के बाद वैशाख मास प्रारंभ हो जाएगा। बुधवार को सुबह स्वार्थ स्थिति योग भी बना हुआ है, हालांकि यज्ञ केवल 4 का है। सुबह 6:03 से 6:07 के मध्य स्वार्थ स्थिति योग में हनुमान जी की पूजा कर लेना उत्तम रहेगा। हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान को संकट मोचक माना गया है। मान्यता है कि श्री हनुमान का नाम लेते ही सारे संकट दूर हो जाते हैं और भक्त को किसी बात का भय भी नहीं सताता है। उनके नाम मात्र से आसुरी शक्तियां गायब हो जाती हैं। हनुमान जी के जन्मोत्सव को देश भर में हनुमान जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। मान्यता है कि श्री हनुमान ने शिव के 11वें अवतार के रूप में माता अंजना की कोख से जन्म लिया था। हिंदुओं में हनुमान जयंती की विशेष मान्यता है। हिंदू मान्यताओं में श्री हनुमान को परम बलशाली और मंगलकारी माना गया है। हनुमान जयंती के दिन आप बजरंग बलि को प्रसन्न करके अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। त्रेता युग में हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। चाहे वो माता सीता का पता लगा रहा हो, फिर चाहे भ्राता लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा कर रहा हो, संकट मोचन हनुमान सदैव प्रस्तुत रहे। ठीक वैसे ही आप अपनी भक्ति से हनुमान जी को प्रसन्न करके अपने बिगड़े काम को सफल बना सकते हैं। पंडित जी, कल हनुमान जयंती है तो उसको लेकर आपने क्या तैयारियां की हैं, क्या व्यवस्थाएं की हैं? कोई तैयारी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी यहाँ खड़ी हुई है, शांति में बैठे हुए मंदिर बन रहे हैं। तो आप कल का किस तरह पूजा करेंगे, किस तरह हनुमान जयंती मनाएंगे? मंदिर बंद है, अंदर ही अंदर अपना जो है पूजा पाठ कर लेंगे, आरती कर लेंगे, जल चढ़ा लेंगे, भोले बाबा तो अपना बैठेंगे, इतना ही है। हनुमान जयंती क्यों मनाया जाता है, इसकी विशेषता क्या है? अब इसकी विशेषता तो ये है कि इतना समय नहीं है तो तुम्हें बताएं, ये त्योहार है। हनुमान जयंती तो बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इतना नहीं इतना मनाया जाता है, 1,000 रुपया खर्च भी हो जाता है, इतनी बीमारी के वजह से ये जो है सब बंद हो जाता है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि जिस तरह की हर बार सब तैयारियां करते हैं हनुमान जयंती आने से पहले, धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। हनुमान जयंती की खासियत क्या है और क्या विशेषता है? हनुमान जयंती की 7 दिन चाहिए,
हनुमान जी का बर्थडे है, तो ये बहुत बड़ा त्योहार है, तो ये बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। एक समय ऐसा समय आ गया है, इंसान क्या जो धन पक्षी भी जो है हनुमान जी की तरफ से अभी पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति आ चुकी है, कल मंदिर भी बंद रहेगी। हाँ जी, मंदिर बंद रहेगी। तो कल किसी भी भक्तों को आप अंदर आने नहीं? नहीं, हम कैसे भी नहीं आने देंगे, हमारा मंदिर बंद है, कोई अपने आप नहीं आएगा। हाँ, आरती पूजा करने के बाद 6 बजे आरती हो जाएगी, इसके बाद मंदिर बंद है, हम अपने कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं, कंपनी में चले जाते हैं। तो आप सभी को एजी न्यूज की तरफ से हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।